हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने फ़ोन में जो है ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास है ओप्पो का फ़ोन है, तो आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। आपको इस तरीके से ऐप के आइकन दिखेंगे, यहाँ पर आपको सेटिंग के आइकन पर जाना है। उसके बाद आप और बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, तो आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ डिस्प्ले और ब्राइटनेस पर जाना है। आप देख सकते हैं, आपको और बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे इस तरीके से, तो आपको यहाँ जाना होगा ऑटो स्क्रीन ऑफ के ऑप्शन पे। उसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ ऑटो स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अगर आपका मोबाइल फ़ोन जो है मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन जो है खुद से कुछ सेकंड बाद या खुद से कुछ मिनट बाद जो है खुद से लॉक हो जाती है, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप अपने ऑटो स्क्रीन ऑफ में जो है सबसे ज़्यादा टाइमर सेट कर देंगे इस तरीके से। जैसे कि मैं 30 मिनट कर देती हूँ, सबसे ज़्यादा यही है मेरे फ़ोन में। तो इस तरीके से, यानी इसका मतलब अब 30 मिनट्स के बाद ही, अगर हम 30 मिनट्स तक हम अपने फ़ोन में कोई काम नहीं करेंगे और हमारे फ़ोन की स्क्रीन जो है ऑन है, तो वो 30 मिनट्स के बाद खुद से जो है लॉक हो जाएगी। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।